गुड इवनिंग गाइस, एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूँ। और आज का जो विषय है वो कई एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है। सबसे खास बात ये है कि ये टॉपिक है, ये हमारी पर्सनल क्रिएटिविटी के ऊपर निर्भर करता है, दैट इज़ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। पर यह भी सच्चाई है कि मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर जो है, जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज का मैनुअल है या फिर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाला जो मैनुअल है बेसिकली, उससे गवर्न होता है। पर यह बात सच है कि हमारी पर्सनल क्रिएटिविटी और हमारे पर्सनल हम कैसे चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ये जो मेरे सामने यानी आप लोगों के सामने जो इस समय स्क्रीन खुला हुआ है, इस स्क्रीन पे ये जो पार्ट दिया हुआ है गाइडलाइंस फॉर नोटिंग, ये मैंने मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स 2015 खोल रखा है, जिसमें बड़ा प्रिसाइजली बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हालांकि मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर 2019 भी अब आ चुका है, आप चाहें तो एक बुक फॉर्म में है, ई बुक है वो, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उसे। लेकिन इसके अंदर जितनी ज़रूरत हमें है नोटिंग ड्राफ्टिंग करने के लिए, उतनी पर्याप्त जानकारी जो है इसके अंदर दी गई है। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग कैसे लगानी है, क्या करना है, वो तो आगे मैं अपना आपके सामने ओपिनियन रखूंगा ही, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी जो गाइडलाइन है उसके ऊपर हम विचार कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहां पे क्लियरली कह रहा है, और ये ऑब्वियस सी बात है, ऑल नोट्स शैल बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। भाई देखिए, नोट होता क्या है, नोट शीट होती क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं नोटिंग लगाने का मतलब क्या है। एक ऑफिस में जब आप काम करते हैं, व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, देयर आर मेनी लेटर्स व्हिच आर रिसीव्ड एवरी डे, एंड दोज लेटर्स आर टू बी पुट अप फॉर पेरुजल ऑफ हायर अथॉरिटीज। भाई बहुत सारे लेटर्स आते हैं, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में एक लेटर आता है कि सुकन्या समृद्धि के मेला लगाना है, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक लेटर आता होगा कि भाई हम लोग को राफेल एरोप्लेन खरीदने हैं, या मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एक लेटर आता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मतलब डिपार्टमेंट्स में, मतलब रेलवे में मिनिस्ट्री के द्वारा एक लेटर आता होगा कि भाई जो हमारे रेलवे के ट्रेन है फलाने रूट पे और बढ़ाने हैं, या हमें केटरिंग सिस्टम को अच्छा करना है, एक्स वाई जी, देयर आर मेनी रीजंस। उन लेटर्स को हायर ऑफिसर्स के लिए, सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, पोस्ट ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट्स में पोस्टमास्टर जनरल, रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में DRM, ADRM, GM, उन लोगों को डिसीजन मेकिंग के लिए पुटअप किया जाता है। अब दोस्तों आप जरा इस बात को समझिए कि एक सिंगल ऑफिस के अंदर एक दिन में कई कई सौ लेटर्स आते हैं, जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की, और जब वो 100-100, 200-200 लेटर आते हैं तो इतना समय एक अधिकारी के पास नहीं है कि वो पूरे लेटर्स को ढंग से एग्जामिन करके पढ़ सके। वहीं PA कार्डर या असिस्टेंट कार्डर या सेक्रेटेरिएट कार्डर के कई सारे लोग हैं जो इसी काम के लिए लगाए हैं कि वो उस पूरे लेटर को पढ़ें, उसका सार निकालें, निचोड़ निकालें, कंसाइज एंड टू द पॉइंट करें उसको, और उसको नोट शीट के ऊपर ब्रीफ में लिखते हुए उस लेटर को पुटअप करें। बेसिकली एक फाइल होती है, फाइल एक कॉपी की तरह ही है, मैं यहाँ पे मेरे पास एक कॉपी पड़ी है, मैं इसी का प्रयोग कर लेता हूँ। फाइल एक होती है, मान लीजिए एक हमारी फाइल है, जब हम इसको खोलते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि फाइल के एक साइड बहुत सारे लेटर्स को लगा दिया जाता है, लगाते जाते हैं, जत्था बनाते जाते हैं, लेफ्ट साइड में नोट शीट लगती है जो कि एक कागज ही होता है और हरे रंग का कागज होता है, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा आगे किस तरीके का कलर होता है, उसके ऊपर एक हाशिया भी बना होता है, दैट इज एक साइड लाइन बनी होती है, और जो भी लेटर हम राइट साइड में पुटअप कर रहे हैं उस लेटर की ब्रीफ कंसाइज टू द पॉइंट समरी हम यहां लिखते हैं, क्योंकि जो हमारे सीनियर ऑफिसर है जिनके लिए हम उसको पुटअप कर रहे हैं वो केवल उस समरी को पढ़कर उस नोटशीट के ऊपर अपना डिसीजन या अपना रिमार्क जो है फाइल करते हैं। तो ये बेसिकली काम है कि नोटिंग आखिर होती क्या है। बात करते हैं कि नोटिंग कैसे लगती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्लियर कट लिखा है, और ये किसी भी एग्जाम के कंटेक्स्ट में मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, क्लियर लिखा है ब्लैक और ब्लू इंक शैल बी यूज्ड। तो दोस्तों अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई नोटिंग ड्राफ्टिंग लगाने को आ रही है और आप ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें पहली बार आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, यानी जनरली आप ऑफिस में नहीं लगाते हैं, तो दोस्तों वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले दिनों को याद नहीं करना है, हमें रंग बिरंगा लाल काला नीला हरा पेन यूज़ करते उसको खूबसूरत बनाने की
कोई आवश्यकता नहीं है. व्हाट वी नीड टू डू इज यूज आइदर अ ब्लैक पेन और अ ब्लू पेन. वी नीड नॉट टू यूज ग्रीन पेन, रेड पेन एंड मेक इट अट्रैक्टिव. इट इज ऑफ नो यूज. और यूज अ स्केच पेन. ऐसा कुछ भी हमको नहीं करना है. सिंगल कलर का पेन यूज करना है. और मैं आपको बता दूं, नए प्रोसीजर के अनुसार तो दिस इज द फैक्ट कि जितनी भी नोटिंग है वो टाइप्ड होनी चाहिए. बट चलो, क्योंकि पेपर्स में तो हैंड रिटन ही ज्यादा आता है, तो अगर हैंड रिटन है तो भी हमको केवल ब्लू या ब्लैक इंक का ही यूज करना है. तो प्लीज बी श्योर अबाउट इट एंड नोट इट कि हम बेवजह किसी और कलर को यूज ना करें अट्रैक्टिव बनाने के लिए. इसके अलावा जो भी व्यक्ति डीलिंग हैंड कौन है कि एक बाबू है. मान लीजिए कोई बाबू पोस्ट ऑफिस की बात कर लेता हूँ, कोई बाबू बीडी ब्रांच में लगा हुआ है, तो वो बीडी से रिलेटेड लेटर को जो डायरेक्टरेट से रिसीव हो रहा है उसको जब पुटअप कर रहा है तो वो अपने फुल सिग्नेचर करेगा नाम और डेट के साथ. वो भी मैं करके दिखाऊंगा. फुल सिग्नेचर वो करेगा अपने नाम और डेट के साथ ऑन द लेफ्ट ऑफ द बिलो ऑफ नोट. मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जनरली प्रैक्टिस में ये चल रहा है कि राइट साइड में लोग साइन करते हैं, लेफ्ट साइड में लोग साइन नहीं करते हैं. तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो लेफ्ट साइड होती है वो सारी पुटअप ऑफिशियल्स के लिए होती है, और जो भी ऑफिसर होते हैं जो उसके ऊपर अपना नोट लगाते हैं या वो अपने ऊपर जो भी रिमार्क के बाद लिखेंगे उनकी जगह होती है राइट हैंड साइड ऑफ द नोट विद नेम डेजिग्नेशन एंड डेट. तो मुहर वगैरह लग जाती है बट नाम और डेट डालते हैं. तो प्लीज़ आप, मैं चाहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस चीज़ को फॉलो करें कि हम अपना, वैसे ऑफिस में बता रहा हूँ कई जगह ऐसा होता है, मैं भी ऐसा ही करता था कि राइट साइड में ही साइन करते थे, सब लोग जैसे मर्जी करते चले जाते थे. लेकिन आइडियली कहा गया है कि ऐसा करोगे तो ये एक, मैंने पॉइंट कहा था, एक्स्ट्रा मार्क्स लाने वाला पॉइंट, कि दिखेगा कि आप फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में डिजिटल सिग्नेचर आजकल चल रहे हैं. आपको पता होगा कई जगह पे ई ऑफिसेज लॉन्च हो गए हैं, तो जहाँ ई ऑफिसेज हैं वहाँ सिग्नेचर जो हैं वो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही किए जाते हैं. तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है. इतना ही था, बेसिक सी गाइडलाइन यही है नोटिंग को लेके. सबसे इंपॉर्टेंट है कंसाइज एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए. अभी हम आगे प्रैक्टिकल बात करेंगे कि भैया नोटिंग कैसे लगानी है, नोटिंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. इसके अंदर तो खैर और बहुत सारी अदर डिपार्टमेंट्स वगैरह के लिए कहा गया है. जैसे यहाँ कहा गया है कि अगर किसी अदर डिपार्टमेंट की फाइल है, मान लो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की फाइल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर के पास जाती है, तो ऐसे केस में पूरा जो प्रोसेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर एक दूसरी सेपरेट फाइल पर चलाएगा, और जो डिपार्टमेंट की फाइल है जो डिपार्टमेंट से आई है दूसरे से, उसमें केवल फाइनल रिजल्ट जो है वो रिकॉर्ड करेगा. नहीं तो पता चला आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की पूरी फाइल ही स्पॉइल कर दी, उसमें ऊपर नीचे हो गया. तो ये सब चीजें जो हैं ढंग से करने का प्रोसेस इसके अंदर दिया हुआ है. और ज़्यादा चीज़ें तो इसके अंदर नहीं है. मेनली हमको यही देखना था कि जो हम नोटिंग लगाते हैं उसके अंदर क्या रहता है. तो दोस्तों चलो हम बढ़ते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर नोटिंग बनाकर देखते हैं. अगेन आई एम शेयरिंग विद यू गाइस दैट नोटिंग इज नथिंग बट योर ओन क्रिएटिविटी. सो नोटिंग इज एक्चुअली योर ओन क्रिएटिविटी. और आपको देखना है, ये तो देखो ये कुछ होता है नोट शीट का कलर. मैंने कोशिश करी है वर्ड में बनाने की. दिस इज समवट द कलर ऑफ अ नोट शीट. तो ये है लाइट ग्रीन से येलो कलर की होती है. और नए मैनुअल और ऑफिस प्रोसीजर में ये भी लिखा है दैट ए नोट शीट कंपल्सरीली नीड्स टू बी ऑन दिस येलो पेपर. ये लीगल साइज का पेपर होता है, आपको पता ना A3 A4 लीगल साइज का पेपर होता है. और ऐसी इसमें ना लेफ्ट साइड में एक लाइन हाशिया कहते हैं जिसको हम हिंदी में, एक ये मार्जिन जो है बनी हुई होती है इसके अंदर. ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता, इस तरह की होती है. अब दोस्तों जब भी हम कोई नोटिंग लगाएंगे, ठीक है, तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया कि मिनिस्ट्री ऑफ दिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो मिनिस्ट्री है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने सोचा है कि सुकन्या समृद्धि जो स्कीम है डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अधिक से अधिक खाते खोले जाने का टारगेट लिया है. क्यों? क्योंकि वो जो है आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट हो सकता है. वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सुकन्या समृद्धि योजना इज अ वेरी वेरी यू नो इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी गुड रिटर्निंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट. तो उसको ज़्यादा से
ज्यादा प्रमोट करते हुए हमको अधिक से अधिक मेले का, कैंप्स का, अकाउंट ओपनिंग का हम लोग को आयोजन करना है। मान लीजिए ऐसा एक लेटर आया है इंडिया पोस्ट के, भारतीय डाक के डायरेक्टरेट जो है यानी न्यू दिल्ली से आगरा के पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस में, कि आपके अंडर जितने भी डिविजन्स हैं आप उनको ये आदेशित करते हुए इंश्योर करें कि अगले 3 महीनों में यानी जनवरी फरवरी मार्च में अधिक से अधिक खाते, मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स आर टू बी ओपन एंड मिनिमम टारगेट इज मे बी यू कैन से 5 सुकन्या अकाउंट्स फॉर ईच पोस्ट ऑफिस, ऐसा कुछ टारगेट उसके अंदर मेंशन किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लेटर होगा ये लेटर बकायदा डायरेक्टरेट से चल के और हमारे ऑफिस में चीफ पोस्टमास्टर जनरल या जो भी उसका रास्ता रहा हो उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, बट वो हमारे ऑफिस में ये लेटर आया है रिगार्डिंग टारगेट, इंक्रीजिंग ऑफ टारगेट एंड अकम्प्लिशिंग द सेम इन जनवरी फरवरी मार्च ऑफ रिलेटेड टू सुकन्या समृद्धि योजना। ये लेटर किसी भी डिपार्टमेंट में कैसा भी आ सकता है, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री में आ सकता है कि भाई हम लोग को क्या करना है कि जो पैसेंजर्स हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं किसी ट्रेन के अंदर वो सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हमको अच्छा बनाना है, इस संबंध में लेटर आ सकता है। सो हम यहाँ एग्जांपल लेके देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई सारे पोस्ट ऑफिसों में मिनिमम 5-5 खाते जो हैं पर मंथ खोले जाने हैं। यहाँ नोट कर लेते हैं हम कि भाई कहा कि 5 अकाउंट्स पर मंथ खुलना है और ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका स्वप्न है, उनका विजन है, तो ये उनको हमको पूरा करना है। पर पोस्ट ऑफिस का ये टारगेट है हमारा और महीने दिए हैं जनवरी फरवरी मार्च और टोटल एवरी पोस्ट ऑफिस जो है इसको खोलना है और 100% अचीवमेंट इसकी करते हुए इसकी पीरियोडिक रिपोर्टिंग भी करनी है। मान लीजिए लेटर में लिखा है कि भाई फोर्टनाइटली गिवन फॉर्मेट में एक फॉर्मेट बना दिया गया है, उस फॉर्मेट के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। मान लीजिए जो पूरा के पूरे पॉइंट जो हैं आपके सामने रेज कर दिए गए हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि नोटिंग जो हम लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, तो हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे नोटिंग लगा के देख लेते हैं। ये लाइन जो है ये कहाँ भाग गई, चलिए इसको वापस ऊपर ही कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल एक्स करके, ओहो पूरा ही चला गया, चलो कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मान लीजिए हम लोग को नोटिंग के लिए कहा गया है, ये जो पूरा पॉइंट है मैंने आपके सामने लिखी दिए। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो लेटर होगा ये लेटर किसी ब्रांच में आया होगा, आइडियली कौन सी ब्रांच में आया होगा, पोस्ट ऑफिस पे रीजनल ऑफिस की उस ब्रांच में आया होगा जो सुकन्या समृद्धि यानी सेविंग्स बैंक को देखती है। तो सबसे पहले क्या है, एक जो नोटिंग होती है, नोटशीट होती है, वो किसी फाइल के अंदर ही लगी होती है। तो दोस्तों हमको ध्यान रखना है कि हमारे एग्जाम में वेन एवर देयर इज अ पेपर रिगार्डिंग नोटशीट, तो हम उसको अपनी क्रिएटिविटी का यूज करते हुए उसका एक फाइल नंबर क्रिएट कर दें, जिससे कि चेक करने वाले को पता चल जाए हाँ भाई इसको पता है कि नोटशीट के ऊपर फाइल नंबर लगाना जरूरी होता है। सेव वी कैन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं फाइल नंबर, यहाँ पे कर दो RO, यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देते हैं SB, ऑब्लिक योजना का नाम लिख देते हैं SSA, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ऑब्लिक टारगेट, ऑब्लिक 2021-22, ठीक है। ये मान लो मैंने एक आर्टिफिशियल फाइल नंबर क्रिएट कर दिया। ये जो है हमेशा फाइल नंबर जो है किसी भी नोट शीट के टॉप राइट या टॉप लेफ्ट को, ये हर पेज पे आना जरूरी है, जिससे कि जब भी कोई ऑफिसर हमारी नोट शीट को देख रहे हो तो भाई उनको ये परेशान होने की जरूरत ना पड़े कि भाई वो बार बार फाइल का पहला पन्ना या फाइल कवर पलट के देख रहे हो कि भाई कौन सी फाइल में देख रहा हूँ। तो फाइल नंबर यहाँ पर लिखना जो है जरूरी होता है। तो आप जब भी पेपर में आपके ऊपर सवाल आए तो फाइल नंबर, उस स्कीम का नाम और टारगेट या जो भी उसके अंदर प्रमोशन मार्केटिंग जो भी पर्पज दिया है और करंट ईयर को मार्क कर दें उसके अंदर, ऐसे करके आर्टिफिशियल फाइल नंबर क्रिएट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा नोट शीट पे पेज नंबर होना बहुत जरूरी है। तो पेज नंबर इस फॉर्मेट में होता है 1/n कह लेते हैं हम, इसको सेंटर कर लीजिए, सेकंड पेज होगा तो 2/n होगा, थर्ड पेज होगा 3/4/n, इस तरह से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पेज नंबर इस तरीके से इसमें चलते रहते हैं। तो ये हमारा सेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये लाइन यार देखो बार बार नीचे सरक रही है, तो मेरे को एक्सक्यूज कर दीजिएगा इसके लिए। तो
समझ लीजिएगा कि लाइन हमेशा हाशिया ऐसे इसके ऐसे रहता है, क्योंकि जो जिन पेज के ऊपर हम प्रिंट निकालेंगे ना उन पे पहले से ही लाइन बनी होगी, मैंने तो आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो 1/n यहाँ पे हम पेज नंबर डाल देंगे और उसके बाद जो है हम अपने मैटर को पुटअप करेंगे। जैसे कि क्या पुटअप करेंगे, ये नोट शीट का हाशिया जो है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो भी लेटर हमको रिसीव होता है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, मैं यहाँ नोट करता हूँ थोड़ा सा, जो भी लेटर हम उसको रिसीव होता है उसको हम R से मार्क करते हैं और जो भी हम भेजते हैं उसको हम C से मार्क करते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोई लेटर मान लीजिए आ रहा है और मेरे फाइल में इस तरफ पहले से, मेरे फाइल में राइट वाली साइड में पहले से 10 लेटर लगे हुए हैं, यानी ये 11वां लेटर आया है, तो मैं इसको नंबर दे दूंगा 11/R। इसका मतलब क्या हुआ, 11th लेटर रिसीव्ड, ये रिसीव्ड है। और इसका जवाब मान लो इसके ऊपर ड्राफ्ट करके मैं एक लेटर भेजूंगा, अगर किसको, अपने डिविजन्स को, मतलब मैं पुटअप करूंगा और फिर इसको डिविजन्स को भेजूंगा कि भाई सबको खाते खोलने हैं, तो वो लेटर इसके ऊपर आएगा तो वो हो जाएगा 12/C। तो दोस्तों जो न्यूमेरिकल नंबर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 तक या 200 तक चलता रहेगा, बट R और C चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि R के नंबर 100 अलग होंगे और C के नंबर 100 अलग होंगे, नहीं, 1R, 2R, 3R, 4C, 5C, 6R, 7C, 8R, 9C कुछ भी हो सकता है। जो भेजने वाला लेटर है उसको C से डिनोट कर देंगे, जो हमें रिसीव वाले लेटर होंगे उसको 11R से या 12R से, जो भी जिस भी सीक्वेंस पे वो आ रहा है। तो मतलब लेटर के, अच्छा ये जो लेटर नंबर होता है ना, ये हम किसी भी लेटर के राइट कॉर्नर टॉप में गोला सा मोहर होती है उसको लगा के उसमें मार्क करते हैं कि भाई ये इस लेटर का सीरियल नंबर है फाइल के अंदर। तो हम यहां पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से, पुट अप एट 11/R इज लेटर फ्रॉम से सर्किल ऑफिस लखनऊ रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ SSA accounts। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो जनरली मैं देखता हूं आजकल क्या चल रहा है, या छोटे जो offices हैं, division office हैं या छोटे offices हैं, ये लिखने के बाद सीधे लिख देते हैं put up for your kind consideration, बस काम खत्म। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना होता है नोट शीट के अंदर कि जो पूरा लेटर होता है उसका एक समरी पुटअप करना होता है। पुटअप लेटर में सर्विस रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ SSA अकाउंट, दी लेटर इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ विजन ऑफ ऑनरेबल PM ऑफ इंडिया रिगार्डिंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ SSA accounts in order to ensure women। वो आपको जो लेटर लिखते हैं ना उसी में से हम, जो लेटर मिला होता है उसी में से हम इस चीज को, टेक्स्ट को ज्यादातर उठाते हैं एम्पावरमेंट से। The targets allotted are given in letter placed on our HS, ठीक है, ये जो मैंने अभी किया ना लास्ट लाइन लिखी, द टारगेट्स अलॉटेड आर गिवन इन लेटर प्लेस्ड ऑन राइट हैंड साइड, ऐसा भी हमको नहीं करना है, डिलीट। यहां लिखना है द टारगेट्स अलॉटेड आर एज अंडर, इसको यहां पे एक बढ़िया सी, यहां पे हम टेबल लेते हैं भैया, सीरियल नंबर टारगेट, इस तरीके से कुछ टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर लगा देते हैं, यहां लिख देते हैं डिविजन नेम, यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जैसे हमको सीरियल नंबर वन सीरियल की तो जरूरत ही नहीं है कि भाई सुकन्या समृद्धि की ही बात, या यहां पे लिख देते हैं मंथ, यहां पे लिख देते हैं मंथ, तो भाई मंथ ऑफ जनवरी के अंदर मान लीजिए आगरा डिवीजन को 1000 अकाउंट्स का टारगेट हमने दिया है, मंथ ऑफ फेब्रुवरी के अंदर, मान लो मंथ ऑफ फेब्रुवरी के अंदर आगरा डिवीजन को हमने 1000 अकाउंट्स का टारगेट दिया है, और मंथ ऑफ मार्च के अंदर आगरा डिवीजन को हमने 1000 अकाउंट्स का टारगेट दिया है, यहां लिख दिया टोटल 3000, ठीक। यहां पर हमने लिख दिया दैट दिस एक्टिविटी इज टू बी मोनिटर्ड fortnightly and the report is to be submitted to circle
ऑफिस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इफ एग्रीड, अगर आप उचित समझे हम अपने अधिकार हैं, द टारगेट्स मे बी अलॉटेड टू आगरा डिवीजन फॉर 100% अचीवमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑन ड्यू टाइम। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने एक लंबा चौड़ा अगर कोई लेटर आया होगा कि भाई टोटल 3000 खाते खोलने हैं आपको करना है, यहां अलग अलग डिविजन्स के भी नाम हो सकते हैं, वो तो मैंने एक सैंपल बनाने क्रिएट किया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट के अंदर मेन बात कही थी जो टेबुलेशन फॉर्म में हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी मेन बात जो हम टेबुलेटेड फॉर्म में अंदर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सारी बातें हम यहां पर जो है टेबुलेट कर देंगे। टेबुलेशन करने से क्या होगा, आप जो एक्स्ट्रा मार्क्स वाली मैं बात कह रहा हूं ना उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, भाई लगता है कि आपके जो अधिकारी हैं वो आपसे बहुत खुश रहने वाले हैं। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहां पे हम कर दें जनवरी, यहां पे कर दें फरवरी, ठीक है, यहां पे हम इस चीज को उठा के यहां से यहां ले आते हैं, ठीक है, ऐसे ले आते हैं, इस चीज को उठा के यहां से यहाँ पे कर लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च, और एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, यहाँ पे कर देते हैं टोटल, ठीक है, आगरा, उसके बाद हम कर देते हैं मान लीजिए आगरा की जगह यहाँ पे अलीगढ़, फिर हम यहाँ पे कर देते हैं, ये सब आगरा रीजन के अंदर आते हैं, मथुरा, मान लो कि हम तीन ही आते हैं डिविजन्स, ज़्यादा भी आ सकते हैं ना दोस्तों, तो हम मान लेते हैं तीन ही आते हैं, तो टारगेट फॉर जनवरी क्या है 1000 खाते का है मान लो, टारगेट फॉर फरवरी 1500 खाते का है, और 1500 खाते का और है, तो टोटल 5000 का टारगेट है। इसी तरीके से मान लीजिए इन लोगों का भी जो टारगेट है कंट्रोल सी करके, मैं वी करके दिखा रहा हूँ आपको, ये है, तो टोटल आपके 5000 और टोटल होगा यहाँ पे 15000, तो 15000 खातों का टारगेट जो है मैंने यहाँ पे इशू कर दिया। तो जो भी बात वो कह रहा है, जो भी बात, जैसे यहाँ मैंने एक बात करी थी, यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं, लाओ एक और, इससे हमें और बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट, यहाँ कर लेता हूँ मान लो नंबर ऑफ POs, नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, मैं यहाँ कर लेता हूँ, मान लीजिए आगरा डिवीजन मुझे पता है वैसे 263 BO हैं प्लस 92 SO, मान लो 350 पोस्ट ऑफिस हैं, अलीगढ़ में मान लेते हैं 400 हैं, मथुरा में मान लेते हैं 350 हैं, हमारा टारगेट क्या था, टारगेट पर पोस्ट ऑफिस जनवरी 5 पर PO, ये हमारा टारगेट था, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, तो हम यहाँ इसको राउंड फिगर ही कर लेते हैं, इससे अभी मेरे को समझाने में दिक्कत ना हो, 300 300 300, तो 300 × 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका 1500, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर से 1500। अब मैं इसको ज़रा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ पे ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया टोटल हमारा कि आगरा डिवीजन को भैया टारगेट है 4500 का, और इनको जो टारगेट है वो है 6000 का, और इनको जो टारगेट है वो है 4500 का, 45 45 9 15000। तो इस तरीके से हम इसको पुटअप करेंगे, इफ अग्रीड द टारगेट्स में बी अलॉटेड टू आगरा फॉर टू ऑल डिविजन्स, यहाँ पे कर देंगे टू ऑल डिविजन्स फॉर 100% रिपोर्टिंग ऑन ड्यू टाइम, और ये चीज पूरी करने के बाद ये जो जगह है ना दोस्तों, यहाँ पे मैं एक वो इंसर्ट शेप ले लेता हूँ, शेप ले लेता हूँ कोई, मैं मान लो ये जो जगह है, ये जो जगह यहाँ पे, ये जगह मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा, मान लो फाइल में दे रहा हूँ ADPS/PMG किसी के नाम पे मैं अपनी फाइल जो है सबमिट कर रहा हूँ, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे अपने सिग्नेचर करने हैं, मान लो मैं अपने साइन यहाँ कर दूंगा, और साइन करने के बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, साइन करने के बाद नीचे डेट भी डालूंगा, ठीक है, फिर जब फाइल आगे जाती है ना, फाइल आगे जाती है तो AD क्या करेंगे, अपने वाले रिमार्क को ऐसे काट देंगे, ये मेरा है ना, ऐसे करके इसको सेलेक्ट करके, मतलब पेन से ऐसे करके स्ट्राइक कर देंगे, स्ट्राइक आउट कर देंगे, और स्ट्राइक आउट करने के बाद वो अपनी रिमार्क इस पूरे एरिया में मान लो लगा सकते हैं, खाली एरिया में कुछ लिख सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा करना है, या करेक्शन भी बता सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, और उसको करने के बाद वो वहाँ रिमार्क लगा सकते हैं दो, या तो वो नीचे, ये सब ना, ये सब तो फालतू है ना हमारा, ये तो मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, ये हटा देता हूँ मैं, इस सब का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वो रिमार्क लगाने, मान लो उन्होंने लिखा कि यार भाई ये करना है, फिर वो यहाँ पे रिमार्क देंगे दो, या तो वो फाइल PMG को फॉरवर्ड कर देंगे,
नीचे साइन करके पीएम जी को फॉर्म, या हो सकता है कि कहें नहीं नहीं नोट शीट में आपने जो लिखा है सही नहीं है, इसके अंदर और कुछ भी होना चाहिए, अपनी कोई फाइंडिंग लेटर में से वो फाइंड आउट करके और आगे भेजने से पहले वापस ओए या पीए या सेक्रेटरी या किसी को भी वो फाइल वापस कर सकते हैं। तो मार्क होता है, मार्क मतलब जिसका नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं उसकी तरफ ये फाइल जा रही होती है। तो दोस्तों ये एक मोटा मोटा नोट शीट का फॉर्मेट है। नंबर पाने के लिए आपको क्या करना है, फाइल नंबर जरूर लिखना है, पेज नंबर लिखना है, आर्टिफिशियल क्रिएशन करने हैं सब। आपको कोशिश करनी है कि जो लेटर आपको दिया गया है उसमें से टेबुलेटेड डेटा निकालें, पहले रफ में कहीं बना लें कि भाई इसमें से मैं क्या टेबल बना सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टेक्स्ट लिखें, ये आर्टिफिशियल नंबर बनाएं कि भाई मेरे को लेटर अगर रिसीव हो रहा है तो 1/r लिखूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके अंदर छोटा सा छोटा टेक्स्ट लिखें और उसके बाद फॉर्म में टेबुलेटेड फॉर्म में उसको लेके आए। दोस्तों टेबुलेटेड फॉर्म में ले आओगे मजा ही आ जाएगा, मतलब आपको नंबर ना मिलने का कोई कारण ही नहीं होगा। फिर मार्क जरूर बनाएं, भाई आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें बताया जाएगा कि किसका लेटर आ रहा है और कहाँ वो लेटर जाना है, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। तो इसी हिसाब से आर्टिफिशियली असिस्टेंट डायरेक्टर SSP रेलवे में DRM ADRM सेक्रेटरी हो सकते हैं किसी विभाग के, पुलिस के IPS हो सकते हैं, यानी SSP हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में वहाँ ओरिजिनली आप साइन करोगे, अपनी डेजिग्नेशन लिखोगे, तो भाई आपको क्वेश्चन में वो बताएगा कि भाई आप कौन हो, और ना बताए तो आप अज्यूम कर लेना कि आप ऑफिस असिस्टेंट हो या आप इंस्पेक्टर पोस्ट हो या आप CSS के बंदे हो, आप कौन हो, आप वहां पे इमेजिन कर सकते हो, आपको क्रिएटिविटी की पूरी छूट है। यहाँ पे अपने साइन डेजिग्नेशन और डेट के साथ अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते चले ना, देखो क्या फॉलो करते चले गए, फाइल मार्क, पेज नंबर, लेटर का रेफ, लेटर का सीक्वेंस नंबर, उसके बाद आपने मार्किंग कर दी किसको भेज रहे हो, साइन कर दिया, साइन के नीचे डेजिग्नेशन डाल दिया, डेजिग्नेशन के नीचे डेट डाल दिया, इतना काम कर दिया, ये लेफ्ट वाला हाशिया खींच दिया, बिकॉज वहां पे पेपर में हो सकता है आपको पेन से लिखने को आ जाए और ये शीट भी आपको साथ ही दे दी जाए, तो भैया ऐसे लेफ्ट पेपर बना देना, लेफ्ट में लाइन बना देना, तो यार आपके मार्क्स कोई ना दे आपको मुझे तो बहुत हैरानी होगी, आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। नोट शीट शुड बी प्रिसाइज, ये ध्यान रखना है कि इतनी लंबी नोट शीट ही लगा देने कि यहाँ तक ये हमारी नोट शीट ही चले जा रही है, मान लो ये नोट शीट चली गई और हमारे अधिकारी के नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं, जनरली आधे पन्ने के अंदर हमारी नोट शीट होनी चाहिए, आधे इतना कि नीचे आपके अधिकारी के लिए लिखने की जगह हो, और अगर ज़्यादा लंबी नोट शीट जा रही है तो दूसरे पन्ने पे हमको जो लिखना है ना इतना लिखना है कि फिर नीचे जगह बच जाए। हमको सिखाया जाता है नीचे जगह छोड़ना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऑफिसर आपको क्या रिमार्क देंगे, तो अगर आप ये भी कर दोगे तो आपकी नोटशीट को बड़ा नीट एंड क्लीन माना जाएगा। जहाँ तक हिंदी वाले हमारे अभ्यर्थियों की बात है तो फाइल संख्या कोई भी आप इमेजिन करके लिख देना भाई, पेज नंबर 1/n को तो 1/n ही लिख दो, कोई समस्या नहीं है, 11r को 11r ही लिख दो, ये जो पूरा का पूरा मैटर है इसको आप हिंदी में बेहतरीन तरीके से बना ही सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपको जो लेटर है वो हिंदी में दिया होगा, हमें तो उसी में से एक्सट्रैक्ट करके चीज़ें लिखनी है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा हिसाब किताब है नोटिंग का, ठीक है, यो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से अगर हम इस तरह से कुछ नोटिंग का फॉर्मेट क्रिएट कर देते हैं, ये तो मैस लग रहा है, लेकिन आपको क्योंकि मैंने समझाया का पूरा वीडियो तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स स्कोरिंग चीजें जो है वो मैंने आपको क्लियरली बता दी हैं कि वो क्या होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात रही नोटिंग की, आई होप नोटिंग में आप समझ गए होंगे क्या करना है। नोटिंग कहां से निकलती है दोस्तों, भाई जो आपको लेटर देता है ना, जो भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन अपने आप में नोटिंग के लिए सफिशिएंट होता है, तो उसके अंदर से आप चीजों को एक्सट्रैक्ट करें और आप नोटिंग को इस तरीके से लगाएं कि अगर आप एक अधिकारी होते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते कि मेरे पास लेटर कैसा बन के आए, बस वही मतलब नोटिंग कैसे बन के आए, क्योंकि इसी के आधार पर पूरे के पूरी फाइल्स चलती हैं, पूरे के पूरे ऑर्डर्स होते हैं, किसी के पास इतना समय नहीं होता सीनियर ऑफिसर्स के पास, क्योंकि आप अगर एक ब्रांच में काम कर रहे हैं और आपके पास 100 लेटर आ रहे हैं और एक ऑफिस में अगर 50 ब्रांच हैं तो आप समझ सकते हैं कि 5000 लेटर पर डे एक बड़े लेवल के अधिकारी के ऑफिस में आ रहे हैं, वो कैसे इतने सारे लेटर पढ़ सकते हैं, तो उस संभावना को भी हमको देखना है। दूसरा एक बात और दी है 2019 के ऑफिस प्रोसीजर में कि आइडियली नोट शीट के चारों तरफ एक एक इंच का स्पेस होना चाहिए,
तो जैसे हमें इधर से तो मिलेगा ही मार्क, हमें देना ही है हाशिया, हमें इधर भी, हमें नीचे भी और हमें ऊपर भी छोड़ना है। हाँ, ये जो फाइल नंबर और इसकी बात कर रहा हूँ ना, ये उस एक इंच के अंदर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एकदम टॉप से शुरू नहीं करना और एकदम नीचे तक तो हमें वैसे भी नहीं जाना, आधे पौन बनने पर खत्म कर देनी है इतनी कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं उसके ऊपर रिमार्क दे पाए। तो दोस्तों ये तो था नोट शीट की बात, अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। जब हम ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि अब आपको किसी को लेटर लिखना है। जैसे ये एग्जाम्पल भी हो सकता था, ये एग्जाम्पल हो सकता था कि हमारे जो ये जो ये तीन डिविजन्स हैं इनको एक लेटर लिखना है। क्या लिखना है? टारगेट के बारे में। तो जब ये लेटर आप लिखोगे ना, तो ये लेटर जो है इट्सेल्फ एक ड्राफ्ट होगा। ड्राफ्टिंग फिर वही बात है, बहुत क्रिएटिविटी वाली चीज़ है। ड्राफ्टिंग शुड बी प्रिसाइज बट डिटेल्ड एट द सेम टाइम। अब लेटर ऐसा भी नहीं लिखना है कि भाई पांच पन्ने का लेटर लिख दे रहे हैं, तो ऐसा हमको जनरली नहीं करना है। मैं आपको अपने टाइम के एज SDI लिखे हुए कुछ लेटर्स दिखा रहा हूँ, जैसे दीज वर माई लेटर्स। मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, एज आई सेड कि ये बहुत पर्सनल चीज़ें हैं कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है। मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव व्यक्ति नहीं हूँ, मे बी आप मुझसे बेहतर लिख लें और हो सकता है इसमें बहुत सारी कमियाँ हों, लेकिन मोटा मोटा ये पैटर्न होता है किसी लेटर को लिखने का। भाई सबसे ऊपर है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ड्राफ्ट करने को, तो बेहिचक होके ना ऊपर लेटर हेड बना दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का लेटर है तो हम लोग एग्जाम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का दे रहे हैं तो ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बना देंगे। अगर हम एग्जाम दे रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट का, तो हम उस डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे, देख लेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या चीज कह रहा है वो। बेसिकली जैसे पिछले वाले पेपर में आया था, पोस्ट ऑफिस के पेपर में इंस्पेक्टर के, कि भाई आपको क्या करना है, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है। किस बारे में लिखना है दोस्तों? कि वो अपने यहाँ पे फिलेटली क्लब खुलवाए, तो ये आया था। तो आपको पहली बात तो सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तभी आप लिखेंगे। मोटा मोटा पैटर्न पहले हम समझ लेते हैं। पैटर्न ये है दोस्तों कि ऊपर हम एक लेटर हेड जरूर बनाए। लेटर हेड बनाओगे, एक आध मार्क्स एक्स्ट्रा पा जाओगे, लगेगा कि आप जानते हो कि लेटर अक्षर ड्राफ्ट कैसे होता है। ठीक है, टू दी, जैसे मैंने लिखा है टू दी SSPOs मुरादाबाद डिवीजन। भाई किसको लेटर लिख रहे हो? अच्छा, एक होता है DO लेटर, आप जानते हैं ना, DO लेटर में पता जो होता है वो नीचे चला जाता है और लेटर हेड भी बड़ा बढ़िया प्रिंटेड होता है, तो DO लेटर तो पेपर में आएगा तो अलग चीज़ हो जाएगी। वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ आगे कैसे बनेगा DO लेटर, लेकिन यहाँ तो नॉर्मल ड्राफ्टिंग ही आएगी पेपर में आप लोगों को जनरली, अगर कोई इंस्पेक्टर 4600-4800 ग्रेड पे तक का लेटर, क्योंकि ऊपर के अधिकारी को क्या जरूरत है लेटर ड्राफ्ट करने की, उनका स्टाफ करेगा। तो हम लोग जब नीचे के कार्डर से जाते हैं ऊपर के कार्डर में, तो जनरली DO लेटर ड्राफ्टिंग जो है वो कम आएगी, लेकिन आ भी सकती है कुछ पेपर्स में, तो उसके बारे में बात कर लेंगे अलग से। यहाँ पे किसको लेटर लिख रहे हैं, यहाँ आ जाता है, जो कि किसी और पेपर के अंदर या DO लेटर के संदर्भ में ये एड्रेस जो होता है नीचे आता है। लेटर का नंबर, दोस्तों अगर आपके पास पेपर में कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें लेटर नंबर नहीं मौजूद है, तो लेटर नंबर बना लो। जैसे कि नोटिंग में फाइल नंबर बनाया था, तो लेटर नंबर में क्या होता है, ये फाइल नंबर होता है और उसके आगे बस इतनी सी बात जुड़ जाती है, ये डेटेड एस 30/3/2021, बस इतना ही तो जुड़ना है। डेट डाल देनी है अपनी, किसके आगे? हमको डेट डाल देनी है फाइल नंबर के आगे, लेटर नंबर बन जाता है। तो ये चीज तो आपको स्टैंडर्डली करनी ही करनी है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब किस संदर्भ में वो लेटर लिखा जा रहा है। जैसे ये एक PG पोर्टल कंप्लेंट थी श्री सुदीप जी की, उसके संदर्भ में मैं जवाब दे रहा था तो मैंने मेंशन कर दिया। आपको मान लीजिए लेटर आता है टारगेट का, तो आप उसका सब्जेक्ट लिख दीजिए, टारगेट गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट, बस हो गया। तो जो भी ये सब चीजें होती है ना, ये तो आपके पास रेडिली मौजूद होंगी एग्जाम में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रेफरेंस की बात कर रहे हैं, रेफरेंस की बात हम कब करते हैं, जब हम जो लेटर भेज रहे हैं वो किसी लेटर के रिप्लाई में भेज रहे हैं। दोस्तों मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन का लेटर ऊपर से आया, मेरे पास आया, मैं और नीचे भेज रहा हूं, दैट इज नॉट अ रिप्लाई। रिप्लाई मतलब अगर मान लो मैं लेटर वापस जिसके पास से आया उसको रिप्लाई कर रहा होता, तो मैं यहां पे क्या डालता, रेफरेंस नंबर डालता। किसका डालता? जिसके लेटर से उन्होंने जैसे इन्होंने मुझको फॉरवर्ड की थी SSP साहब ने अपने DO के इस नंबर के लेटर नंबर से की थी, तो जब मैंने जवाब भेजा तो मैंने उसको रेफरेंस में दे दिया। रेफरेंस से मतलब हिंदी में संदर्भ, सब्जेक्ट विषय, नंबर संख्या। तो जो हमने इसलिए रेफरेंस लिख दिया कि जब ये फाइल, जब मेरा जवाब वहां पहुंचेगा तो उनको इजीली मिल जाएगा कि हाँ भाई ये जो लेटर का रिप्लाई आया है ना, ये कौन से लेटर के संदर्भ में आया है जो रिप्लाई आया है। जब अपने से सीनियर को लिखते हैं जनरली रिस्पेक्टेड सर यूज करते हैं, बराबर में हम लोग अगर डियर सर भी यूज करते हैं कभी कभी, अगर हम DO लेटर लिख रहे हैं तो डियर सर भी यूज कर देते हैं, बट रिस्पेक्टेड सर जो है वो जनरली सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला है।
तो हम लोग रेस्पेक्टेड सर का ही यूज़ करें अपने लेटर के अंदर। अगर हम किसी पब्लिक के व्यक्ति को लिख रहे हैं लेटर, मान लो आपसे कहा कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिखो कि वो हमारे रेलवे के जो प्लेटफॉर्म है उस पर आकर बच्चों को सिखाएं दिखाएं कि कैसे काम होता है प्लेटफॉर्म पे, अगर इस संदर्भ में हम लेटर लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल वगैरह यहाँ पे रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर लिख देंगे। ये कंप्लेंट से रिलेटेड था तो मैंने लिख दिया कि भाई विद रिस्पेक्ट टू योर। अच्छा, जब हम यहाँ पे किसी लेटर का रेफरेंस दे देंगे तो हम हमेशा यही लिखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू योर ऑफिस लेटर नंबर साइटेड अबव इट इज सबमिटेड दैट, और हम सारी चीजों को जो हमारी फाइंडिंग्स है जैसे कंप्लेंट केस में उसको हम 1 2 3 पैराग्राफ बनाकर ही लिखें। अगर आप पैराग्राफिक करके लिख रहे हो ना दोस्तों, पहले पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ थोड़ा सा क्या होता है, कंक्लूसिव होता है, तो आपके लेटर को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। ये लेटर कंप्लेंट से रिलेटेड है लेकिन हम अभी इसके आगे भी कुछ चीजें देख लेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर आप यहां क्या करोगे, आपकी मोहर होगी। आप अगर जो भी आप किसी अधिकारी के लिए लेटर लिख रहे हैं तो उस अधिकारी की मोहर यहां मौजूद होगी। आप अगर स्वयं वो अधिकारी हैं जो लेटर लिख रहा है तो आपकी मोहर होगी, आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स जो हैं वो कर देंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जब भी हम किसी लेटर की ड्राफ्टिंग करेंगे, थोड़ा अभी कंटेंट के बारे में आगे बात करते हैं, जब भी हम किसी लेटर की ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स क्या क्या चीजें दिलवाएंगी, मैं आपसे उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं वो आपको क्या क्या चीजें दिलवाएंगी। एक सेकेंड, अगर मेरे को कोई लेटर मिल गया उस तरीके का तो फिर तो हमारा काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम हाँ हाँ इसी को देख लेते हैं। जैसे मेरा कोई लेटर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये हमारा एक लेटर है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं इसमें ना नीचे आ जाऊँ, ये भी नहीं है किसी काम का। हाँ, हम इसको देख लेते हैं। ये हिंदी का लेटर है, मैंने ऊपर लिख दिया, मैंने किसी कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स की है अपने सब डिविजन के अंदर, तो मैंने एक मेमो टाइप बनाया, इसको मेमो कहते हैं, लेटर नहीं है। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ बताना चाह रहा हूँ, आपने देख लिया ऊपर हेडिंग वेडिंग रहेगी, ये मेमो है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लेटर का फॉर्मेट ही बनाएंगे। ठीक है, हम तो ऊपर लेटर का फॉर्मेट बनाएंगे इस तरीके का कि भाई यहाँ पे लिख लिया ये सब और किसको नाम है सब्जेक्ट वगैरह लिख के रिस्पेक्टेड सर लिख के साइन वाइन कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको नंबर क्या चीज़ दिलाएगी, आपको नंबर जो चीज़ दिलाएगी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड मुझे दीजिए, मैंने एक लेटर लिखा था प्रिंसिपल को, एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों, मैं ज़रा यहाँ पे आ जाऊँ, मैंने एक लेटर लिखा था, इसी के अंदर होना चाहिए, मैं एक मिनट फाइंड करता हूँ, अगर मुझे मिल जाए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंस शर्मा ये है क्या, ये भी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। चलो मेरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं कहना चाहता हूँ मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। सबसे बढ़िया बात, आपको कोई भी लेटर लिखते समय लेटर हेड बनाना है, एक्स्ट्रा मार्क्स आप पाएंगे। आपको नंबर बनाना है आर्टिफिशियली और डेटेड करके लिखना है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ये मेरी कमी है, यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा, डेटेड एट, जैसे मुझे लिखना चाहिए था डेटेड एट चंदौसी। अब अगर आप न्यू दिल्ली में लिख रहे हैं डेटेड एट न्यू दिल्ली कर सकते हैं, डेटेड एट लखनऊ भी कर सकते हैं, कहाँ पे डेटेड कर रहे हो आप, यानी प्लेस एंड डेट इस तरीके से कर दीजिएगा इसको। ठीक है, सब्जेक्ट रिगार्डिंग आपको एक्स्ट्रा मार्क्स पाएंगे अगर आप अच्छा सब्जेक्ट इसके अंदर ब्रीफ में लिख देते हैं। ये जो सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड डियर लिखना, इसको सैल्यूटेशन कहते हैं, सैल्यूटेशन के आप एक्स्ट्रा मार्क्स 100% पाएंगे। लेटर के अंदर पैराग्राफिंग कर देंगे 100% एक्स्ट्रा मार्क्स पाएंगे। कंटेंट कैसे लिखना है वो हम आगे आते हैं। यहां पे सिग्नेचर बना देंगे, नॉर्मल चीज है, सब लोग करके आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मजा आएगा तब जब आप नीचे कॉपी टू बना दें। अगर आपने कॉपी टू बना दिया तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा चेक करने वाला व्यक्ति होगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बंदा जानता है कि लेटर्स की कॉपी भी देनी पड़ती है। जैसे मैंने कुछ भी बनाया, मान लो मैंने कोई भी लेटर बनाया, ये मैंने श्री ललित कुमार शर्मा जी के नाम पे एक लेटर बनाया था, उनके बारे में किसी डाक वितरण की लापरवाही के संबंध में आधिकारिक चेतावनी के बारे में बनाया था, ठीक है, तो मुझे मैं केवल ये लेटर बनाकर भी तो छोड़ सकता था, बट अगर मैं कोई भी लेटर एग्जाम में ड्राफ्ट कर रहा हूं तो उसमें नीचे दो कॉपी बनाने में कौन सी बड़ी दिक्कत है। एक कॉपी प्रतिलिपि दे दी मैंने, कॉपी टू एसएसपीओस,
कॉपी टू दी एसएसपीओज मुरादाबाद डिवीजन, एक कॉपी दे दी एसएसपीओज टू द सीनियर पोस्टमास्टर। फॉर एग्जांपल कि रेलवे ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म्स का विजिट कराना है स्टूडेंट्स को, प्रिंसिपल को लेटर लिखा, तो भाई कॉपी टू स्टेशन मास्टर्स फॉर नेसेसरी अरेंजमेंट, कॉपी टू द इंस्पेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर नेसेसरी अरेंजमेंट। अरे एक दो तीन चार कुछ भी कॉपी बना के, आपको सुकन्या समृद्धि का टारगेट देना था, ठीक है, आपने लिखा एसएसपी के नाम लेटर, नीचे दे दिया कॉपी टू मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ऑल डिवीजन, कॉपी टू दी पोस्टमास्टर्स, ऑल पोस्टमास्टर्स ऑफ ऑल डिवीजन्स। अरे नीचे किसी के नाम पे भी कॉपी दे दीजिए जिससे ये पता चल जाए कि आप जानते हैं, बट ऐसे नहीं हवा में कॉपी दे दी कि लिख दिया कॉपी टू शाहरुख खान कि कॉपी टू राहुल, नाम तो सुना ही होगा, नहीं ऐसे नहीं करना है, मतलब कॉपी टू रेलिवेंसी के साथ यू हैव टू से नीचे डाल दो कॉपी टू। अगर आपने कॉपी टू डाल दिया ना दोस्तों, उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा दोस्तों कि ये व्यक्ति जानता है कि लेटर के अंदर कॉपी टू नाम की भी कोई चिड़िया होती है। तो आपको रेलिवेंसी ढूंढनी है, जैसे मैंने यहाँ रेलिवेंसी ढूंढी कि भाई इनकी जो हमने ऑफिशियल वार्निंग दे रहे हैं तो एसएसपी को जो है रिपोर्ट की जानी है ये वाली। इसी तरीके से आपको हर लेटर, जब भी आप कोई लेटर बनाओ उसके अंडर डीए जरूर लिखो भाई, डीए, ये यहीं पे लिखा जाता है डीए, डीए एज अबव, डीए एज अबव का मतलब उपरोक्त अनुसार, हिंदी में उपरोक्त अनुसार, कहने का मतलब ये है डीए की हिंदी है डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड। मान लो सुकन्या समृद्धि का टारगेट लेटर बताया था ना, उसमें लिख दो डीए, डीए में लिख दो नंबर वन लेटर ऑफ द डायरेक्टरेट रिगार्डिंग द सेम, अरे अटैच करके डाल दो ना डॉक्यूमेंट में, हमारे एग्जाम में अगर हम डीए दिखाते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि ये जानता है कि डीए नाम की एक चिड़िया होती है। मान लीजिए आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कि आपके स्कूल में पीएलआई का कैंप लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों डीए में डाल दो ना पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का ब्रोशर डाल दो। मान लीजिए रेलवे स्टेशन वाला केस है तो उसमें डाल दो ना दोस्तों कि वर्किंग प्रोसेस ऑफ द प्लेटफॉर्म स्टेशन मास्टर कैसे, कुछ बुकलेट कोई चीज हो वो उसका डॉक्यूमेंट अटैच में डाल दीजिए आप। तो जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसकी कॉपी टू कैसे क्रिएट करनी है और उसमें कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच करने वाले हो, यानी आपने कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न किए हैं, संलग्नक, वो आपको यहाँ पे सिग्नेचर से पहले ही, एज अबव का मतलब होते हैं कि मैंने ऊपर लिख दिया होगा, ऊपर क्या लिख दिया होगा कि विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट साइटेड अबव काइंडली फाइंड अटैच, ऊपर दिए गए विषय के संदर्भ में कृपया संलग्न के रूप में लेटर प्राप्त करें। अगर मैं ये वाली चीज लिख दे रहा हूं कि लेटर प्राप्त करें तो एज अबव लिख देता हूं, और अगर मैंने ऊपर ये वाली बात नहीं लिखी है तो मैं नीचे क्या मैं अटैच कर रहा हूं उस चीज को यहां पे बकायदा मेंशन कर देता हूं कि भाई मैं ये चीजें जो है अटैच कर रहा हूं। प्रतिलिपि लगाना, अटैचमेंट बनाना डीए एज अबव है क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया, देखो काइंडली फाइंड अटैच लेटर फ्रॉम एसपीएम भेजोई, जब मैंने ऊपर ही लिख दिया काइंडली फाइंड अटैच तो नीचे क्यों लिखूं कि मैं एसपीएम भेजोई का लेटर लगा रहा हूं, नहीं नहीं मैंने ऊपर मेंशन कर दिया ये वाली बात, ठीक है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा मार्क्स काहे के, आप लेटर हेड बना दो इस बात के, आप अच्छी सी सैल्यूटेशन कर दो इस बात के, आप नंबर सब्जेक्ट और रेफरेंस बना दो इस बात के, आप यहाँ डेटेड एट जोड़ दो एट चंदौसी इस बात के, आप यहाँ पे डीए डाल दो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है तो क्रिएट करके डाल दो, पीएलआई का लेटर लिखना है तो उसका ब्रोशर लगा दो, रेलवे स्टेशन का लिखना है तो प्रोसीजर लगा दो, आपको कोई और चीज लिखनी है तो डायरेक्टरेट का लेटर अटैच, कुछ ना कुछ अटैच कर दो भाई मेरे इधर। यहाँ सिग्नेचर केवल मोहर बना के नहीं छोड़ना, सिग्नेचर करके आना दोस्तों, आर्टिफिशियल सिग्नेचर कुछ ना कुछ बना के आना, एक्स वाई जेड वगैरह को यूज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं है। मैंने कहा प्रतिलिपि बना दोगे, कॉपी टू बना दोगे, दोस्तों कॉपी टू बना दोगे ना वो कहेगा कॉपी टू जानता है, डीए जानता है, डेटेड जानता है, डेटेड एट जानता है, फाइल नंबर बनाना जानता है, सब्जेक्ट बनाना जानता है, रेफरेंस बनाना जानता है, और बीच का जो मैटर है ना दोस्तों, बीच का मैटर मैंने भी बहुत लेट शुरू किया, उस बीच के मैटर को तो ये व्यक्ति ना क्या करता है पैराग्राफ बना के बनाता है यार, पैराग्राफ 1 2 3 4 वाह वाह, मतलब कितना ऑर्गेनाइज व्यक्ति है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से काम कर लेते हैं तो हमारे, देखो इस तरीके से आप बनाओ, आप पैराग्राफिंग करो, आपको जो भी चीज बनानी है उसकी पैराग्राफिंग करो, सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं आप उसको, जैसे मैंने सिग्नेचर मैंने स्कैन करके लगाए हैं तो थोड़ी थोड़ी सी पैराग्राफिंग आपको करनी आनी चाहिए, पैराग्राफिंग कर दोगे तो आपको बड़ा
ये देखिए इस तरीके से पैराग्राफिंग कर दीजिए। अगर आप पैराग्राफिंग करके बनाएंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कहीं भी कटने वाले नहीं हैं। लेटर एक ही पन्ने में बनाने का प्रयास करिएगा, प्रिसाइजली बनाने का प्रयास कीजिएगा। टॉपिक क्या आता है उस टॉपिक की नॉलेज होना ज़रूरी है। मान लीजिए पेपर में आता है कि फिलैटली क्लब खोलने हैं, तो आपको फिलैटली क्लब के बारे में थोड़ी गोलमोल बातें करनी पड़ेंगी और उसका डॉक्यूमेंट अटैच में उसका ब्रोशर लगाना पड़ेगा। इस तरीके से करेंगे आप लोग, यू विल डेफिनेटली गेट ग्रेट मार्क्स। अच्छा, वन मोर थिंग, ये चीज़ होती है, लोग लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, है ना, ये सब चीज़ें। तो ज़रा मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ पढ़ा देता हूँ, ये पढ़ लीजिए। यूज़ योर्स फेथफुली व्हेन यू बिगिन अ लेटर विद डियर सर एंड मैडम। ओके, आप जनरली लेटर्स में योर्स फेथफुली यूज़ करो, अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और योर्स सिंसियरली भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन योर्स सिंसियरली हम तब ज़्यादा लिखते हैं जब हम जिसको लिख रहे हैं उसको हम जानते हैं। बेस्ट विशेस जनरली ऑफिशियल लेटर में तभी लिखते हैं जब हम किसी जूनियर को लिख रहे होते हैं या हम थोड़ा सा नॉन ऑफिशियल नेचर का लेटर लिखते हैं, होता तो ऑफिशियल है। बेस्ट विशेस यानी शुभकामनाओं सहित। योर्स, यहाँ योर्स फेथफुली में हम लिखते हैं सादर, हिंदी में सादर, तो सादर लिख के कर सकते हैं आप। और इससे हम योर्स फेथफुली और सादर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मेरे ख्याल से जो है हमारा काम अच्छा खासा बन जाएगा। तो दोस्तों बस यही था नोटिंग ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। और भी कुछ ड्राफ्ट जो मैंने आपको दिखाया है, ये सारे ड्राफ्ट मैं आप लोगों के संग शेयर कर दूंगा। एक आध दो दिन का समय दीजिए तो मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग स्पॉट के माध्यम से और भी अच्छे ड्राफ्ट जो मुझे दिखेंगे गवर्नमेंट के इंटरनेट पे भी होंगे, उन सबको मैं निकाल कर आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आप बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, आपकी पर्सनल क्रिएटिविटी, आपकी जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको दिखाते हुए यू हैव टू शो दैट यू हैव एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट ड्राफ्टिंग। जो भी लोग होंगे ड्राफ्टिंग और नोटिंग के एग्जाम में, बेसिक चीज़ें तो दोस्तों सब लोग करके आते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, बट अगर आप कॉपी टू या डीए जैसी चीज़ें, हिंदी में संलग्नक, संलग्नक क्या लगा रहे हैं, या नोटिंग में आप टेबुलेशन करके आ रहे हैं, 1/n कर रहे हैं, 11r लिख रहे हैं, पता चलता है कि आप लोग जो हैं जानकारी रखते हैं। इसी नोट के साथ मैं पुनः आप सबको ऑल द बेस्ट कहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जो भी वीडियोस मैं बनाता हूं अगर उसमें कुछ भी अपडेट होता है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं कि भाई मुझसे ये गलती हो गई थी, ये मैंने अपडेट कर दिया, जैसे खास करके एक्ट्स के रिलेशन में। तो इसी नोट पे आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियो को देखें तो बस एक रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर दिया करेगा। दैट्स ऑल आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस। साइनिंग ऑफ, थैंक यू, गुड नाइट।